तो बच्चों, ये है आपका हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर। सैम्पल क्वेश्चन पेपर है संस्कृत का, ठीक है। इस प्रश्न पत्र को आप देख लीजिए और ऐसे ही तैयारी के लिए तैयार रहिए। 60 अंक का रहता है, 2½ हाफ आवर्स का रहता है, होरा द्वयम् सार्ध होरा द्वयम्, ठीक है, मतलब 2.5 घंटे का ये आपका प्रश्न पत्र रहता है। सिलेबस आपको पता ही होगा, पहले पार्ट से लेके 8वें पार्ट तक आपको पढ़ना है। सिलेबस कुछ इस तरह से डिवाइड होता है, जैसे मान लो कि हमारे कुल जो हैं वो 16 चैप्टर हैं संस्कृत में, तो हाफ ईयरली में हाफ तक आते हैं। तो इसमें सभी जो लेसन्स होते हैं उनमें से इक्वली क्वेश्चंस डाले जाते हैं लगभग, और इसलिए आपको 8ों के 8ों लेसन अच्छे से पढ़ने। उसमें कुछ PT1 के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इसलिए बिना डरे आपको अच्छे से तैयारी करनी है। आपके पास ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है सामने जिसके ऊपर ही आपने सारे उत्तर देने हैं। यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ कक्षा और वर्ग लिखेंगे, वर्ग होता है सेक्शन, दिनांक लिखेंगे, हस्ताक्षर, और यहाँ पर जो निरीक्षक होगा उसके हस्ताक्षर होंगे, जो इन्विजिलेटर होगा। तो लिखा है इस प्रश्न पत्र में चतवारा खंडासंति, 4 खंड हैं, 4 पार्ट्स हैं, ठीक है। समस्ता प्रश्न अनिवार्य संति, सारे प्रश्न जो हैं वो अनिवार्य हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम अपठित अवबोधनम। अपठित अवबोधनम, अपठित मतलब अनसीन, ठीक है, और अवबोधनम हो गया पैसेज। अनसीन पैसेज को कहते हैं अपठित अवबोधनम, जो आपने अपनी बुक में नहीं पढ़ा था, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी लैंग्वेज आपको कितनी आई है उसको चेक करने के लिए आपको एक पैसेज दिया जाता है। इस पैसेज को आपने पढ़ना अच्छे से, और पैसेज को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स जो है आपको आपके टीचर ज़रूर देते होंगे, और मैंने आपको बहुत सारी टिप्स ट्रिक्स बताई हुई हैं। एक वीडियो है जो सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है, अपठित अवबोधनम, हमारे चैनल पे है, उसको आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है अधोलिखितम, नीचे लिखे अनुच्छेदम, अनुच्छेद को, अनुच्छेद मतलब पैसेज को, पठित्वा पढ़कर, दत्ता नाम दिए हुए, प्रश्नानाम प्रश्नों का, उत्तरानी उत्तर, लिखता लिखो। 8 मार्क्स का है टोटल, आपका प्रश्न पत्र 60 मार्क्स है, उसमें से 8 मार्क्स ये हो जाएंगे, तो कितने मार्क्स बच जाएंगे हमारे, 52। तो 8 मार्क्स जो हैं वो हमें यहाँ से लेने। एकदा अमर शक्ति, एक बार अमर शक्ति नाम नृपः आसीत, एक बार अमर शक्ति नाम का राजा हुआ, प्रजापाल ने, प्रजा को पालने में अति कुशलः, बहुत कुशल, सा स्नेहेन वह प्यार से प्रजां, प्रजा को अपालयत, पालने लगा, परम, लेकिन निपस्य पुत्रः, लेकिन राजा का पुत्र मूर्खः, मूर्ख अशिक्षितः आसन, लेकिन राजा के पुत्र मूर्ख और अशिक्षित थे, यतस्मात् कारणात्, इस कारण से राजा अतीव चिंताकुलः आसीत, राजा बहुत टेंशन में था, किम करोमि, क्या करूँ, कथम, कैसे, एतान मम, इन मेरे विद्याहीन पुत्रान, अनएजुकेटेड पुत्रों को, सर्वगुण संपन्नम, सभी गुण संपन्न करोमि, करूँ, इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, सा अग्रिमे दिवसे, वह अगले दिन राजसभां प्रति, राजसभा को आगत्य, आकर अघोषयत, घोषणा करता है, अस्ति कश्चित विद्वान, है कोई विद्वान, पंडित, पंडिता, यह मम, जो मेरे मूर्ख पुत्रान, मूर्ख पुत्रों को नीति निपुणान, नीति निपुण कर तुम समर्था भवेत, नीति निपुण करने में समर्थ हो, एतत आकर ने, ऐसा सुनकर, देवदत्त नाम पंडिता, देवदत्त नाम का पंडित, किंचित विचार या कुछ सोचकर, निपम, राजा अमर शक्ति, अमर शक्ति को अवदत, बोला, महाराज, महाराज, अहम, मैं, एतान, इन राजकुमार, राजकुमारों को नीतिशास्त्रेषु, नीतिशास्त्रों में निपुणान, निपुण कर्तुम, करने के लिए समर्थो अस्मि, समर्थ हूँ, कैपेबल हूँ, तथा ते राजकुमारा, तब वे राजकुमार देवदत्तेना, देवदत्त के द्वारा, पंडितेना सह, पंडित के साथ आगच्छन, आ गए, ठीक है, गुरुकुल में या कहीं भी आ गए। असौ पंडितः, इन पंडित पशु पक्षी जंतूनाम कथा भी, तेषां राजपुत्राणां विद्यालाभाय, पंडित पशु पक्षी जंतुओं की कथाओं के द्वारा उनके राजपुत्रों को विद्यालाभ, विद्या के लाभ के लिए, मनोरंजनम,
एंटरटेनमेंट कुर्वन कर रहे करते हुए सरलता या सरलता से तेव्यः उनको नीतिशास्त्र ज्ञानम नीतिशास्त्र ज्ञान अशिक्षयत शिक्षा देने लगे। अब यहाँ आधे अंक के चार प्रश्न हैं और आप करेंगे तो आपको दो मार्क्स मिलेंगे। इसको एक पदेना उत्तरत बोलते हैं, मतलब वन वर्ड आंसर। निपस्य नाम किम आसीत, राजा का नाम क्या था? तो ये निप कहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखा है निप, आसीत भी यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ यही पूछा है कि राजा का नाम क्या था, तो अमर शक्ति नाम था। क्या नाम था? अमर शक्ति। ठीक है, यह आ गया पहले का उत्तर। निपस्य पुत्र कीदृशः आसन, नृप के पुत्र राजा के पुत्र कीदृशः, हम लोग कैसे आसन मतलब थे, राजा के पुत्र कैसे थे। ठीक, तो राजा के पुत्र कैसे थे, यहाँ लिखा है निपस्य पुत्र मूर्खः अशिक्षितः आसन। तो उत्तर क्या आएगा, मूर्खः अशिक्षितः। यहाँ आप लिख सकते हैं मूर्खः, अब मूर्खः भी लिख के आ जाएंगे तब भी सही है, और शिक्षितः लिख के आ जाएंगे तब भी सही है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लिख के आ जाते हैं तो भी आपका उत्तर सही माना जाता है, तो इसलिए उत्तर अच्छे से देख के लिखना है। राजकुमारः केन सह आगच्छन्, राजकुमार किसके साथ गए, किसके साथ गए? तो देवदत्तेन पंडितेन सह, ये जो सह है कहाँ आ रहा है पैसेज में, क्वेश्चन के बीच में भी है और यहाँ आ रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं, चाहे तो आप यहाँ लिख सकते हैं देवदत्तेन, केन की जगह पे देवदत्तेन, राजकुमार देवदत्तेन सह आगच्छन। समझ में आया? अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या चार। पंडिता तेषां राजपुत्राणां किम अशिक्षयत, ठीक है, यहाँ आप लिख सकते हैं नीति शास्त्र ज्ञानम अशिक्षयत। अशिक्षयत कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है इस लाइन में, तो आप चाहें तो यहाँ से यहाँ लिखें, चाहें तो आप सिर्फ इतना सा लिख के आ जाएं, लेकिन ये वाला वर्ड ज़रूर आना चाहिए, तभी आपका उत्तर संपूर्ण पूरा माना जाएगा। अब है उसके बाद पूर्ण वाक्य न उत्तरत, ये उत्तर भी हमने पैसेज में से ही देना है। यहाँ लिखना है निपह राजसभां प्रति आगत्य किम आघोषयत, राजा ने राजसभा आकर के क्या घोषणा की, ये घोषणा की देखो, राजसभां प्रति आगत्य आघोषयत, ठीक है, क्या घोषणा की, अस्ति कश्चित् विद्वान् पंडितः या मम मूर्खपुत्रान् नीति निपुणान् कर्तुं समर्थः भवेत्, ये घोषणा की। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिखेंगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। वैसे ही पंडितः देवदत्तः मूर्ख राजपुत्रान् शिक्षयितुं किम् अशिक्षयत्, पंडित देवदत्त मूर्ख राजपुत्रों को शिक्षा देने के लिए क्या पढ़ाने लगा, क्या पढ़ाने लगा उनको, तो पंडित यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा, पशु पक्षी जंतु नाम पशु पक्षियों की कथाओं को पढ़ाने लग गया उसको, है ना, तो ये हमने पढ़ा था अभी हिंदी में। उसी तरह से भाषिक कार्यम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें आपको आसानी इस बात की हो जाती है कि यहाँ ऑप्शन है, किसी एक को टिक करके आपने लिखना है। जैसे लिखा है शिक्षिता, शिक्षित इस पद का, इति पद से इस पद के लिए किम विलोम पदम प्रयुक्तम, कौन सा विलोम शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है, कहाँ पर, इस पैसेज में। तो अगर आप देखेंगे तो वहाँ है अशिक्षिता, क्या लिखा हुआ है, अशिक्षिता, पैसेज में लिखा है देखो यहाँ अशिक्षिता। उसी तरह से है मूर्खः पुत्रः, अत्र विशेषण पदम की, ये मूर्ख एक शब्द है, पुत्र दूसरा शब्द है, इन दोनों में विशेषण वाला शब्द कौन सा है, ठीक, ये आपने बताना है, तो विशेषण क्या है, मूर्खः, हो गया। बच्चों आपका रचनात्मकम लेखनम, ये 12 अंक का है, जैसे 8 अंक का पैसेज हो गया, 12 अंक ये हो जाएगा, तो 12 और 8 20 हो जाएंगे, 40 मार्क्स हमारे बचेंगे। तो यहाँ पर आपको है बच्चों एक कथा जो कि आपकी पुस्तक में ही लिखी हुई है, ठीक है, वो कथा आप अच्छे से याद कर लीजिए, यही आती है ज़्यादातर परीक्षा में, इसको आप अच्छे से पढ़ लो। तो यहाँ क्या रहता है, यहाँ मंजूषा है, एक बॉक्स है, बॉक्स के बीच में लिखे हुए सारे क्या हैं, शब्द हैं, इनका प्रयोग करके आपने ये वाली रिक्त स्थान पूरी करनी है। यह है क्या, एक कथा है, ठीक है। एकस्मिन बने एक वन में डैश व्याधः जालम विस्तीर्य, तो यहाँ आ जाएगा कश्चन, क्या आ जाएगा, कश्चन, ये आपने कथा जरूर आपको सर ने पढ़ाई है, कोई शिकारी जाल बिछाकर विस्तार्य, ठीक है, दूरे स्थितः, दूर में बैठ गया जाके, दूरे, ये आ गया दूसरे नंबर पे। एक दो क्रमशः आकाशात
तभी आकाश से सपरिवार, सपरिवार कपोत राजा, कबूतरों का राजा, यदा नीचे गत, जब नीचे आया, तदा कपोता, तब जो कबूतर हैं ये तंडुलान आ जाएगा। तीसरा तंडुलान अपश्य, तंडुल क्या होते हैं, तंडुल होते हैं बच्चों चावल, तो चावलों को देखकर तेषाम लोभ हो जाता, उनको लालच आ गई। परम राजा सहमता नासीत, लेकिन जो राजा था वो उससे सहमत नहीं था, जो कपोत राज था वो सहमत नहीं था। तस्य युक्ति आसीत, उसकी ये सोच थी, यदि यहाँ क्या आएगा, यदि वने कोपि मनुष्य नास्ति, अगर वन में कोई भी मनुष्य नहीं है तो यहाँ क्या आ जाएगा, तरही, तो तरही कुतः तंडुला नाम संभव, तब चावल कहाँ से आए। डैश राज्ञा उपदेशम अस्वीकृत्य, राजा के उपदेशों को ना मान करके, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, परम, लेकिन राजा के उपदेशों को ना मान करके कबूतरों, कबूतर तंडुलान डैश प्रवृत्ता, तंडुलान खादितुम, खाने के लिए, ठीक है, प्रवृत्ता जाले चानी पतिता, और जाल में फंस गए, अतः उक्तम, इसलिए कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सहसा विदधीत ना क्रियाम, अचानक से कोई भी कार्य ना करे। हो गया, ये कथा हो गई। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 3, अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए पदा नाम, पदों का वाक्येषु प्रयोगम कुरुता, वाक्यों में प्रयोग करो। ये भी सारा एक क्वेश्चन है हमारी बुक में, ठीक है, उसमें जाइए, डिजी वार्ता में है शायद, वहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को लर्न कर लीजिए। आवश्यकता के ऊपर आपने एक वाक्य बनाना है, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, वाक्य का मतलब समझते हैं, अगर सिर्फ आवश्यकता लिखा हुआ आता है तो ये शब्द है, ठीक है, ये क्या है, शब्द, ठीक। अगर आप इसको वाक्य बनाना चाहते हैं तो 2-3 शब्द इसके साथ और लिखने पड़ेंगे, लेकिन उनका भी मीनिंग होना चाहिए कुछ, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ पुस्तकस्य, पुस्तकस्य जिसका मतलब है पुस्तक की आवश्यकता अस्ति, पुस्तक की आवश्यकता है, ये एक वाक्य बन गया। जैसे आप ये लिखेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। वैसे ही सामग्री, सामग्री क्या है, एक शब्द है, इसके ऊपर आपने वाक्य बनाना है, तो आप अगर यहाँ लिख दें पठन सामग्री, पठन सामग्री नास्ति, नास्ति पढ़ने की सामग्री नहीं है, ये भी एक वाक्य है। अब पर्यावरण सुरक्षा, यहाँ पर तो 2 शब्द हैं, एक तो पर्यावरण है, एक है सुरक्षा, लेकिन ये हिंट के लिए आपको 2 शब्द दिए हैं, आपको इसके ऊपर वाक्य बनाना है, ठीक है। आप कैसे बना सकते हैं, पर्यावरण सुरक्षा कुर्वन्तु, तो ये वाक्य बन गया, एक ही शब्द लोड़ने से, जोड़ने से वाक्य बन गया, पर्यावरण की सुरक्षा करो। मौखिकम, तो मौखिकम, मौखिकम जो ओरल बोलते हैं इसको, मौखिकम ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम भवेत, मौखिक ज्ञान होना चाहिए। देखो कितने सरल तरीके से 4 वाक्य बन गए, जैसे 4 वाक्य बनेंगे तो आपको 4 अंक यहाँ से मिल जाएंगे। अब बच्चों उसके बाद वाला प्रश्न है, चित्रम दृष्ट्वा चत्वारी वाक्यानि रचयत, चित्र को देख करके 4 वाक्य रचो। अब चित्र कौन सा है उसको आपने अच्छे से देखना पड़ेगा, कौन सा चित्र है। मान लो एक चित्र है जिसमें पक्षी हैं, बगीचा है, एक झूला है, दोला कहते हैं झूले को, लड़की है, हंस है, हंस पक्षी होता है, सूर्य है, मंडूक मेंढक है, पुष्पानी फूल हैं, तो एक बगीचे का एक दृश्य है, ये आपको हिंट में दिए गए हैं। आपकी पुस्तक में भी एक चित्र वाला प्रश्न होगा, लेसन नंबर 1 से लेकर 8 तक, उसको आप अच्छे से समझ के करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब जैसे खगा है, खगा जिसे कहते हैं पक्षी, ठीक है, आप इसके पक्षी के ऊपर अगर वाक्य बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं, अस्मिन चित्रे, मतलब इस चित्र में खगाहा, खगा मतलब पक्षी, संति पक्षी हैं, इस चित्र में क्या हैं, पक्षी हैं। ये आपको हिंट के लिए दिए हैं, सारे आप यूज़ करें या ना करें,
ठीक है। अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इदम चित्रम, ये चित्र सुंदरम अस्ति, सुंदर है ये चित्र, कैसा है, सुंदर है ये। यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा होगा नहीं, लेकिन आपने अपने से लिखा तो वो भी अच्छी बात है, यहाँ दो अंक मिल गए आपको। अब ऐसे लिख सकते हैं, अत्र बालिका, यहाँ लड़की अस्ति, यहाँ लड़की है, ये भी एक वाक्य है, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य सूर्यः सूर्यः, अब ऐसे भी बना सकते हो, सूर्यः कुत्र अस्ति, सूर्यः कुत्र अस्ति, और इसके साथ में ऐसे लिख सकते हो, सूर्यः चित्रे अस्ति, चित्र में है। देखो ये मैंने आपको बिल्कुल सरल तरीके से बताया है, चार वाक्य आपने बना लिए, चार ही बनाने, आप चाहिए पांच बनाइए, छह बनाइए, लेकिन आपके जो फर्स्ट चार हैं वो चेक करके आपको चार अंक मिल जाएंगे। अब है हमारे पास बच्चों व्याकरण, जो 16 मार्क्स की है, ठीक है। अभी तक आपने देखा 20 मार्क्स हमारे हो गए पूरे, अब व्याकरण आएगी, व्याकरण को मिला करके हो जाएंगे हमारे 20 और 16 36 अंक, 36 हो जाएंगे। इसमें देखो संधि विच्छेद वाला रिक्त स्थान वाला एक प्रश्न है, जो पुस्तक से ही है, नीचे लिखे संधि विच्छेद विच्छेद में रिक्त स्थानानि पूरयेत, रिक्त स्थान पूरे करो, जैसे यथा मतलब होता है एग्जाम्पल, नोक्तवती बनता है ना धन उक्तवती से, वैसे ही सहसैव कैसे बनेगा, सहसा धन एव से, ये आपने पढ़ा होगा। वैसे परामर्शानुसार, परामर्श धन अनुसार, कुसुमादपि, तो ये सारे आपने बच्चों पढ़े हुए हैं, कुसुमाद और अपि से बना कुसुमात भी। विनयोपेता तो बन जाएगा विनयोपेता, अपनी पुस्तक देखिए आपने वहाँ पर ये लिखे हुए, प्रवृत्ता धन अपि बन गया प्रवृत्तो अपि। अब यहाँ लिखा है उचित विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थान पूरे करो, ये भी हमारी पुस्तक से ही आया हुआ प्रश्न है, जैसे लिखा है यथा भिक्षुकाय धनम दधातु, यहाँ पर रिक्त स्थान था पहले, इन्होंने भिक्षुक से यहाँ भिक्षुकाय बनाया, ठीक है। अब हम छात्र से क्या बना देंगे, छात्राय, छात्राय पुस्तकम देहि, तो यहाँ विद्यालय लिखा है तो हम क्या लिख देंगे, विद्यालयम। ऐसे एक दो प्रश्न है आपको, उन दोनों को अच्छे से लर्न कर लो, ठीक है। अब यहाँ कंदुक लिखा है तो यहाँ हो जाएगा कंदुकेना, बालका कंदुकेना क्रीडति, तो यहाँ हो जाएगा नमः, तो अध्यापकाय नमः, जैसे शिवाय नमः होता है वैसे अध्यापकाय नमः। तो यहाँ वृक्ष है तो वृक्ष का हो जाएगा वृक्षात, पत्राणि पतन्ति, समझ में आ गया, वैसे ही है ये प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर प्रकृति और प्रत्यय को मिला करके आपने शब्द बनाना है, ठीक है। जैसे आ गम लेप से बन गया आगत्य, वैसे प्रादा लेप से बन जाएगा प्रदाय, ये कहाँ से लिया गया प्रश्न, हमारी पुस्तक से, पुस्तक के जो प्रश्न उत्तर है ना उनमें आप जाके देखेंगे तो आपको उत्तर दिख जाएंगे सारे। जैसे गम तो ऐसे बनता है गत्वा, क्रेतुम उनसे क्या बन जाएगा कर्तुम, कर्तुम तरतुम हरतुम पढ़े थे हमने, वैसे ही नत्वा है तो क्या हो जाएगा नम धन त्वा नत्वा, वैसे ही त्यज धन, त्यज धन त्वा से क्या बन जाता है त्यक्त्वा, ठीक है। वैसे ही है बच्चों, यहाँ आपको बताना है राष्ट्र शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या होगी, ये भी प्रश्न हमारी पुस्तक से ही है, तो राष्ट्र शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा राष्ट्रे, विदेही राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, है ना। वैसे शक्ति शब्द द्वितीय विभक्ति वचन क्या हो जाएगा, शक्तिम शक्ति शक्ति ही, है ना, ये हो जाएगा द्वितीय बहुवचन। वैसे गिरिशिखर सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या हो जाएगा गिरिशिखरे, कुछ अगर गलत हो रहा हो मुझसे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि गलती सबसे हो जाती है, कई बार लिखने टाइम भी हो जाती है गलती, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गिरिशिखरे। यान द्वितीय विभक्ति बहुवचन हो जाएगा बच्चों हमारा यानानी, यान से क्या बन जाएगा यानानी। पशु का सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा पशु शु, ये बन जाएगा। पाषाण सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या हो जाएगा पाषाणे,
वैसे लिखा, नीचे लिखे पदों का निर्देशानुसार धातु रूप लिखो। धातु रूप लिखना बच्चों आपने यहाँ पर, जैसे खेलसी है, खेलसी का लोट लकार, विदिर्लिंग लकार, लंग लकार आपने लिखना है। जैसे खेलसी तो हो गया हमारा लट लकार में, है ना, तो इसका लोट लकार में क्या बनेगा, इसका बन जाएगा खेलतु खेलताम खेलंतु होता ना, तो यहाँ लोट लकार मध्यम पुरुष में एक में बन जाएगा खेल। विदिर्लिंग लकार में क्या बन जाएगा, विदिर्लिंग लकार किस तरह से चलेगा, खेलेत खेलेताम खेलेयु खेले हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा खेले। और लंग लकार में क्या बन जाएगा, अखेलत अखेल, है ना, अखेल अखेलतम अखेलत। खादती से क्या बन जाएगा लोट लकार में, खाद। बिल्कुल आसान हो गया, इसको ही देखे हमने यहाँ वरना है, तो यहाँ हो जाएगा खादे, यहाँ क्या हो जाएगा खादे, यहाँ क्या हो जाएगा अखा अखाद अखादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 9, जिसको हमने कर लिया पूरा, ठीक है। अब है पठित अवबोधनम, इस ये 24 अंक का है, अभी तक 36 अंक हुए थे, ये 24 और हो जाएंगे, उसमें 36 और 24 मिला के 60 अंक हो जाएंगे। तो ये पठित अवबोधनम में क्या आएगा, आपको एक गद्यांश आएगा जो आपने अपनी पुस्तक में पढ़ा हुआ है, जैसे ये वाला गद्यांश देख लीजिए, शालिनी ग्रीष्मावकाश में पितृगृहम आगच्छति, पिता के घर आती है, सर्वे प्रसन्न मन, सभी प्रसन्न मन से तस्या स्वागतम कुर्वन्ति, उसका स्वागत करते हैं, परम तस्या भ्रातृ जाया उदासीना एव दृश्यते, लेकिन उसकी भाभी उदासीन दिखती है, शालिनी भ्रातृ जाया चिंतिता एव प्रतीयते सर्वं कुशलं खलु, भाभी चिंतित दिखाई दे रही हो, सब ठीक है ना, माला आम शालिनी, हाँ शालिनी कुशलिनी अहम ठीक हूँ, त्वदर्थं किम् आनयामि, तुम्हारे लिए क्या लाऊँ, शीतल पेयम चायम वा, ठंडा या कोल्ड चाय, शालिनी अधुना तो किमपि न वांछति, अभी तो कुछ नहीं चाहती हूँ, रात्रौ सर्वे सह भोजनमेव करिष्यामि, रात के समय सबके साथ भोजन ही करूँगी, भोजन काले मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, भोजन के समय में माला की हालत अच्छी नहीं दिख रही थी, परम सा मुखे न किमपि नोक्तवती, लेकिन वह मुख से कुछ भी ना बोली, राकेशा भगिनी शालिनी दिष्ट्या तुम आगता, राकेश कहता भगिनी शालिनी किस्मत से तुम आ गई, अद्य मम कार्यालय, आज मेरे ऑफिस में एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एक महत्वपूर्ण मीटिंग सहैव निश्चिता, अचानक ही डिसाइड हुई, अद्यैव मालया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारिता, आज ही माला का डॉक्टर के साथ मिलने का टाइम डिसाइड था, तुम मालया सह, तुम माला के साथ चिकित्सकां प्रति गच्छ, चिकित्सा के लिए जाओ, तस्या परामर्शानुसारम, उनके अनुसार जो होगा तद संपादय व्यय करो। अब यहाँ प्रश्न है, जैसे एक पदेन उत्तरम लिखते हैं, शालिनी ग्रीष्म अवकाश कुत्र गच्छति, शालिनी जो है ग्रीष्म अवकाश में कहाँ जाती है, तो कहाँ जाती है पितृगृहम, ठीक है, पिता के घर जाती है, देखो यहाँ लिखा हुआ है शालिनी ग्रीष्म अवकाश पितृगृहम आगच्छति, का उदीसा उदासीना आसीत, कौन उदासीन थी, तो भ्रातृ जाया, भाभी, है ना, भ्रातृ जाया, जो भ्रातृ की जाया होती है उसको बोलते हैं भ्रातृ जाया, देखो जाया होती है पत्नी। अब कहाँ लिखा हुआ है उदासीना, तो आप जब पैसेज में ढूंढेंगे तो आपको दिख जाएगा उदासीना वर्ड कहाँ पर है, हैं कहाँ है उदासीना, तो यहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा है भ्रातृ जाया उदासीना इव दृश्यते, ठीक है, तो लिखा है का उदासीना आसी, तो आपने लिखना भ्रातृ जाया, हो जाएगा। तो अब यहाँ पूर्ण वाक्य नो, सर राकेशा शालिनी किम करतुम आकते, राकेश शालिनी को क्या करने के लिए कहता है, तो राकेश जो है वो शालिनी को कहता है कि इन्हें डॉक्टर के पास लेके जाइएगा, तो आप चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक लिख दो, लेकिन आपको लिखना कहाँ से है, यहाँ से, तो मालया सह चिकित्सकां प्रति गच्छ, ये कहता है, ठीक है। अब लिखा भाषिकार्यम, लिखा शालिनी पितृगृहम आगच्छति, अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदं किम्, इसमें कर्ता कर्ता कौन है, तो शालिनी कर्ता है, शालिनी तो जा रही है, रात्रौ सर्वे सह भोजनम करिष्यामि, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदं किम्, करिष्यामि क्रिया। अब है बच्चों आपको एक पद्यांश, पद्यांश समझते हैं आप, पोइट्री पोइम, तो यहाँ आपको एक पोइम का कुछ गीत की कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, अभिमान दना विनयोपेता शालीना भारत जनता हम,
ये हमने पार्ट पढ़ा हुआ है, अगर आपने पढ़ना है तो वीडियोस में जाके देखिए, वहाँ पूरा गा गा के पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है। इसमें से आपने एक पदे ना लिखा है, भारत जनता किम किम चुनौती, किम किम चुनौती, तो यहाँ लिखा होगा प्रेया श्रेया च, ठीक है, प्रेयः श्रेयः श्रेयः च। अब चुनौती वाला कहाँ स्पेलिंग लिखा है, यहीं लिखा हुआ है, तो इसके अगल बगल में इसका उत्तर होगा, तो यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर है। लिखा है भारत जनता वसुंधराम किम मन्ने, मन्ने च कुटुंबम वसुंधराम, ये इसका उत्तर आ गया। एक पद ना यहाँ से हो गया, भारत जनता की दृशी अस्थि, तो भारत की जनता जो है वो किस तरह की है, तो इसमें आपको ये लिख सकते हैं आप, ठीक है। शालीना भारत जनता हम अभिमान देना विनयोपेता, आप इन दोनों श्लोकों को आपको लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आप शॉर्टकट लिखना चाहते हैं, शालीना भारत जनता हम, सुकुमारा भारत जनता हम, सुवेका भारत जनता हम, तो ये थोड़ा बड़ा उत्तर हो जाता है क्योंकि ये पूर्ण वाक्य ना है, ठीक है। उसी तरह से लिखा है पुष्पात फूल से, अस्य पदस्य पर्याय पदम पद्यांशे किम प्रयुक्तम, इस पद्यांश में फूल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है, कौन सा किया गया, कुसुम, क्या शब्द किया गया, कुसुमात, पुष्पाद के लिए शब्द प्रयोग किया है कुसुमात। कुसुमात भी किसको कहते हैं बच्चों, फूल, कुसुम फूल को कहते हैं, तो कुसुम से बनता कुसुमात, पुष्प और पुष्पात। सुकुमारा, इस पद से विलोम पदम, सुकुमारा का विलोम शब्द क्या है यहाँ पर, सुकुमार तो होता है कोमल, तो कठिन है, कौन सा है, कठिन, क्योंकि यहाँ सुकुमारा है तो यहाँ आपने कठिना लिखना है। और लिखा है रेखांकित बदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता, प्रश्न निर्माण करना है, मान लो प्रसन्नता यहाँ रेखांकित है तो इसकी जगह पे हो जाएगा कस्याह, अब क्रोड़े है तो इसकी जगह हो जाएगा कुत्र। ये प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न जो है आपके हर लेसन में है, सबको आप अच्छे से करें, तो तड़ागाह की जगह आ जाएगा के, नद्या आ जाएगा ना, नद्या, नद्या की जगह पे भी आ जाएगा के। अब तेरहवा प्रश्न है कि जो सही है उसके सामने आम लिखो, जो अनुचित है उसके सामने ना, इति लिखा था। निज निकेतनम गिरिशिखरेस्ति, गिरिशिखर पे अपना घर हो, ये हमने पढ़ा था आम। स्वकीयम बलम बाधकम भवति, ये ना होगा। अहम अविवेका भारत जनता अस्मि, नहीं, हम सुविवेका भारत जनता हम, तो ये ना हो जाएगा। हम विज्ञान दना ज्ञान दना चास्मि, आम, ये आम हो जाएगा, ठीक है। वैसे आपने ये विशेषण और विशेष्य पदों को मिलाना है जो हमने पढ़ा था, तो सुकुमारा भारत जनता एक नंबर पे आ गया, ठीक है। उसी तरह से ये दो है तो दो समम जगत आ गया, ये तीन है जगन्यम तो ये कृत्यम आ जाएगा, परिवर्तिनी है तो ये काले आ जाएगा चार, सर्वानी है तो ये पाँच आ जाएगा। इसमें भी आप देखो यहाँ आ की मात्रा है अंत में, यहाँ आ की मात्रा है, यहाँ अंत में मा हलंत है, यहाँ अंत में ता हलंत है, ठीक है। यहाँ जगन्यम या और मा है, यहाँ या और मा है यम, यहाँ परिवर्तिनी है तो इसको थोड़ा सा नहीं जुड़ेगा, लेकिन ये सर्वानी नी आ रहा अंत में, और यहाँ कार्यानी में भी नी आ रहा अंत में, इस तरह से आप ट्रिक से भी आपको जोड़ सकते हैं। अब लिखा है तत्सम पदानी, इनके लिए संस्कृत शब्द आपने लिखना है, ढाई अंक के हैं। भाई को क्या कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं, भ्राता। कंजूस को कृपणहा, ये सारे हमारी पुस्तक से ही हैं। साथ को कहेंगे सह, सारधम भी कहते हैं, है ना। लोमड़ी को क्या कहेंगे, श्रीगाला, और भी कुछ कहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। मधुमक्खी मधुमक्षिका, क्या कहते हैं, मधु मक्षिका, ये हमने पहले पाठ में ही पढ़ लिया था। वैसे ही लिखा है मंजूषा से अभ्य पदों को चुनकर एक स्थान पूरे करो। विद्यालय से पूर्णता, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, ये वाला प्रश्न हमेशा आता है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, या खलु आ जाएगा। सा यथा चिंतयति तथा आचरति, विद्या विना जीवनम वृथा, ये यहाँ से देख के हमने यहाँ पर भर दिए सारे, ठीक है। और ये तीन अंक हैं, एक दो तीन चार पाँच, एक और होगा हमारे पास, ये यहाँ आ जाएगा हमेशा। सदा भगवंतम भजो, हमेशा ईश्वर को भजो।
तो ये हमारा प्रश्न पत्र हो गया समाप्त, 60 अंक का था। तो कुछ और डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर लिखें, ठीक है। इसके नीचे में भी एक प्रश्न पत्र और भी है जो थोड़ा सा पुराना है, ठीक, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वाला है, हाँ ये भी है, कुछ थोड़ा सा पुराना है। गंगा भारतस्य प्रमुखा नदी अस्ति, ये कुछ इस तरह से पैसेज आया हुआ है। और इसमें रचनात्मक कार्य में लिखा हुआ है दो में से कोई एक प्रश्न करने से, एक कथा आई हुई है, यहाँ पर भी वही कथा आई हुई है, सेम टू सेम। यहाँ एक ये वाला चित्र आया हुआ है, तो ये शायद हमारी पुस्तक में है ये वाला चित्र। उसी तरह से कुछ व्याकरण के प्रश्न हैं, ये आजकल नहीं आता, पहले आता था। फिर एक शालिनी वाला यहाँ पर भी आया हुआ है ना, पढ़ा हुआ मैसेज। इस तरह से ये एक प्रश्न है विभक्ति वाला, ये अभी भी हमें आया था 2024-25 में। तो बच्चों ये सारा जो है, देखो कंजूस, लोभी, मधुमक्खी, तिनका, प्रश्न निर्माण वाला क्वेश्चन, विशेषण विशेष वाला क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निवसामी समस्त संसार, ये वाली पोइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको आपने ज़रूर देख लिया होगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होता है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछो, अपना टाइम वेस्ट मत करो फालतू की बातों में, और ध्यान से पढ़ के अच्छे मार्क्स लो, ठीक है। हाँ, अगर आपको किसी लेसन में डाउट है, कोई लेसन पढ़ना है, तो वो भी यहाँ पर वीडियोस में मिल जाएगा आपको, क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियोस भी मिल जाएंगी, वहाँ जा करके आप देख लो।